नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। भारत के सिर जल्द ही चांद होगा। जी हां, चंद्रयान 3 ने पृथ्वी को अलविदा कह दिया है और अब जल्द ही वो चांद का मेहमान होगा। चांद का मेहमान बनकर भारत विश्व में नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश होगा, जबकि दक्षिणी पोल के पास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद विश्व का पहला देश बन जाएगा अपना भारत। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को रवाना किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा को अलविदा कह दिया और वो अब चांद के रास्ते में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 23 दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने 1 अगस्त को ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर ली है। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के बाद चंद्रयान 3 चांद तक की 3,08,000 किलोमीटर की यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल चुका है। इसरो का कहना है कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी LOI की 5 अगस्त की योजना बनाई गई है। इसरो ने सोमवार आधी रात को उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसने चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो ने ट्वीट किया, इस ट्रैक में एक सफल पेरिगी फायरिंग की गई। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो ने चंद्रमा की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, अगला पड़ाव चंद्रमा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो ने कहा कि तय योजनाओं के तहत चंद्रयान 3 अपना काम कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लिए तय समय के मुताबिक जैसा जैसा कार्यक्रम तैयार किया था वो ठीक वैसे ही वैसे तय समय में अपने पड़ाव को पूरा करता जा रहा है। चंद्रयान की स्थिति मौजूदा समय में परफेक्ट कही जा सकती है। इसरो के मुताबिक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सफलतापूर्वक पेरिजी फायरिंग की गई। अब अगला कदम चांद है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 अगस्त तक अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस लैंडिंग के साथ ही भारत के नाम 2 और उपलब्धियां जुड़ जाएंगी। एक तो ये कि चांद की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश होगा, साथ ही साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के बाद 14 दिन तक वहां प्रयोग किया जाएगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही चंद्रमा की मिट्टी समेत कई मौजूद चीजों का अध्ययन किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।